जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो जो हमने फ्राइडे तक चीज़ें देखी थी इन्वेस्टमेंट की और एमईसी की और इंटरेस्ट रेट की, और उसमें हमने बुक में भी जो डिस्कशंस की थी उसमें कोई अगर किसी को इशू है तो वो डिस्कस कर लें। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हम आगे चल पड़ेंगे और मल्टीप्लायर्स की डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलें लेट्स स्टार्ट ऑन मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर की डिस्कशन करते हैं। मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमिस्ट भाई जो उनसे हमारे, उन्होंने हमें एक मल्टीप्लायर की बातें बताई। उन्होंने कहा जी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टीप्लायर। समथिंग कॉल्ड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर एक रिलेशनशिप की बात करता है। इकोनॉमिस्ट भाइयों ने कहा कि जनाब आप अगर अपनी इकोनॉमी के अंदर किसी वक्त किसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज लेकर आते हैं, आपकी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज आती है, इंक्रीज आती है, कोई बेहतरी आती है, कोई डिक्रीज आती है चाहे, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर एनी चेंज विल रिजल्ट इन मोर देन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम। वो जो नेशनल इनकम के अंदर चेंज होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज से ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से आपकी नेशनल इनकम में फर्क ज्यादा पड़ेगा। ये हमने क्या बात की? आप कहेंगे सर ये क्या? तो उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी वक्त किसी ने एक को प्रोडक्ट बनाई, एक को इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिस्टर ए, ही brought in rupees 1000, अगर उनकी सेविंग थी, सेविंग से उन्होंने 1000 रुपये अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई, कोई एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और 1000 रुपये की इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने इकोनॉमी के अंदर इंडक्ट की, इंजेक्ट की। जब 1000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई तो क्या हुआ? वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस वक्त के लिए की जाती है? किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। आप जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस किया तो क्या हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ये 1000 रुपया जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनके पास उनकी इनकम के तौर पर ये 1000 रुपया चला गया। इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट से ये 1000 रुपया उनकी इनकम के तौर पे चला गया। जब ये उन लोगों के पास 1000 रुपया इनकम के तौर पे गया तो उन लोगों ने क्या करना था? जो हाउस होल्ड थे, हाउस होल्ड ने क्या करना था? मिस्टर बी सी वट एवर, उन्होंने क्या करना था? दे विल स्पेंड इट, वो उसको खर्च करेंगे। खर्च करने से क्या होगा कि हमारी नेशनल इनकम के अंदर ये जो 1000 रुपया पहले इनकम बनी, फिर 1000 रुपया मिस्टर, चाहे ये मिस्टर बी के पास गया था, मिस्टर बी ने स्पेंडिंग की, स्पेंडिंग करके मिस्टर डी के पास चला गया, मिस्टर डी ने फिर क्या करना है? डेफिनेटली जो स्पेंडिंग की है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए की है इन्होंने स्पेंडिंग, तो मिस्टर डी ने
मिस्टर डी ने फिर वो प्रोडक्शन किया, काम किया, फिर वो फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के पास गया, फिर वो 1000 रुपये से फिर किसी मिस्टर ई के पास चला गया फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की इनकम के तौर पे, फिर उन्होंने कंजम्पशन की, फिर मिस्टर एफ के पास चला गया। तो 1000 रुपी इनिशियल जो हमने कोई एक शख्स मिस्टर ए लेकर आया था, उसने एक साइकिल चला दिया, एक इम्पैक्ट हमारी नेशनल इनकम के अंदर इम्पैक्ट डाल दिया कि जनाब इससे एक फ्लो चलना शुरू हो गया, नेशनल इनकम के अंदर इजाफा 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 होना शुरू हो गया कि लोगों के पास जाता था और लोग उसको आगे इस्तेमाल कर लेते थे। तो नेशनल इनकम के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की, उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इम्पैक्ट हमारी नेशनल इनकम के अंदर आता है। क्लियर है जी? आपका सवाल यहां पे भरना चाहिए था, सर ये जो हम कह रहे हैं कि इन फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के पास 1000 रुपये आएगा, लेकिन ये सारे के सारा तो कंज्यूम नहीं करेंगे, सारे के सारा तो कंज्यूम नहीं करेंगे। हमने एमपीसी पढ़ चुके हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एमपीसी इज 0.5, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, 0.5 का मतलब क्या है कि 50% सेविंग कर लेते हैं और 50% आगे कंज्यूम कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि इस शख्स से टोटल 1000 नहीं, 1000 इंटू 0.5 ये कंज्यूम करेगा 500 और बाकी 500 सेविंग में चला जाएगा। और फिर जब आप इस शख्स के पास पहुंचेंगे तो ये 500 इंटू 0.5 इससे फिर आगे कंजम्पशन चलती जाएगी। तो एक शख्स की इनकम दूसरे शख्स की कंजम्पशन होती है इकोनॉमी के अंदर, एंड कंजम्पशन का एक रिलेशनशिप बनता नजर आ रहा है कि आप कंजम्पशन करते हैं, एक शख्स कंजम्पशन करता है दूसरे शख्स की वो इनकम बनती है। तो मुश्किल तो नहीं, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देखा था उसी तरह का ही है कि आपकी फर्म एंड हाउसहोल्ड। वन थाउजेंड फर्म के पास इन्वेस्टमेंट की जरूरत में आया, इसने हाउसहोल्ड को ट्रांसफर किया, हाउसहोल्ड ने वापस 1000 इंटू 0.5 जो उसकी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम है 500 इसके पास वापस किया, 500 इसने मजीद फिर इधर दे दिया इनकम के तौर पे, ये 500 इंटू 0.5 अगर एमपीसी हमारी 0.5 है तो ये फॉर एग्जाम्पल 250 इधर आ गया। Then again 250 will be transferred, 250 ट्रांसफर किया, वो कंजम्पशन के अंदर 250 into 0.5 ये चलता गया, that is 125 और फिर 125 इधर आया। इस तरीके के साथ हमारा जो इनिशियल हमारी इनकम के अंदर इजाफा होना चाहिए था सिर्फ 1000 का, 1000 की जगह ये 500 भी आया, फिर 500 दोबारा गया, फिर 250 आया, फिर 250 दोबारा गया, फिर 125 आया, 125 दोबारा गया तो फिर 62.5 आया। तो ये नहीं, अभी हम सिर्फ मल्टीप्लायर की डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि जनाब सादा तरीन मल्टीप्लायर, कंजम्पशन रिलेटेड मल्टीप्लायर। हम ये समझना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, हम देख क्या रहे हैं। इस वक्त हम सादगी के साथ सिर्फ और सिर्फ इनकम और कंजम्पशन की डिस्कशन कर रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट की, कि इनिशियल हमारी जो नेशनल इनकम में इजाफा है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। ये जो पहला हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे किया था कि नेशनल इनकम में इजाफा हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है उस चीज को अब हम ढूंढना चाह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट भाई
इस चीज को ढूंढना चाह रहे हैं कि जनाब अगर आप नेशनल इनकम में एक रुपए का इजाफा करेंगे, इन्वेस्टमेंट में एक रुपए का इजाफा करेंगे तो आपकी नेशनल इनकम के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, उसकी कैलकुलेशन ढूंढना चाह रहे हैं। वो कैलकुलेशन ढूंढने के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम उन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है उधर से कहीं ना कहीं हमें से वो कॉन्सेप्ट मिल रहा है। क्लियर है? The ratio between change in investment to the change in income is called multiplier. ये बेसिक हम रेशो ढूंढना चाह रहे हैं कि एक रुपए की अगर इनकम में इजाफा आएगा, वन रुपी, तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा आएगा तो इनकम में कितना इजाफा आएगा, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। इस रेशो को हम ढूंढना चाह रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई वो अब हमें इकोनॉमिस्ट भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट भाई कह रहे हैं कि अच्छा जी हमारी ये जो डेफिनेशन आ गई दैट मीन्स के is change in income with change in investment. This is our multiplier. This is our ratio that we need to find out. Or calculation hum agar isko thoda sa change kar lein, change in income will be k time change in investment. ऐसा ही है, इक्वेशन को हमने चेंज किया। तो अगर आप ये देखना चाहें कि आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर फर्क आने से आपकी नेशनल इनकम के अंदर कितना फर्क आएगा, तो ये आप इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर लें। अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज के इज इक्वल टू टू an initial investment, change in investment was rupee 100 million, then our change in income will be 2 into 100, that means 200 million rupees. 100 million ki humne investment mein change ki thi, 2 was the multiplier, to hum asani ke saath bata sakte hain नेशनल इनकम के अंदर चेंज 200 मिलियन का आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ? चलो अच्छा, अब सबसे बड़ा इशू ये है कि जनाब ये जो 2 है ये कैसे आया, ये के आप किस तरह से लेकर आ रहे हैं, इशू ये है। हम बता रहे हैं ना के क्या होता है, हमारे इकोनॉमिस्ट भाइयों ने कहा के इज वन ओवर वन माइनस एम पी सी। उन्होंने कहा जी के आप वन ओवर वन माइनस एम पी सी अगर आप करेंगे दैट विल गिव यू रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लायर, ये आपको मल्टीप्लायर की बात बताएगा। और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, हमने क्या कहा था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और अगर हम कहें एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, ये नहीं कह सकते,
ये जो पिछली हमने कंजम्पशन की बातें देखी थी वहां पे, तो अगर हम ये कह दें के इक्वल टू वन ओवर एम पी एस तो कोई गलत बात होगी। हमने सिर्फ इसको वन माइनस एम पी सी को रिप्लेस कर दिया एम पी एस के साथ, कोई उसमें चेंज ज्यादा बड़ी नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो इफ एम पी सी इज इक्वल टू 0.5, एम पी सी इज इक्वल टू 0.5 एंड इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रूपी 150 मिलियन, प्लीज फाइंड आउट चेंज इन इनकम। कर सकते हैं, हमें पहले सबसे के फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड के इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एम पी सी, वन ओवर वन माइनस 0.5 और दैट इज 2 एंड चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 2 इंटू 150 दैट इज 300। कोई मुश्किल है? 1 माइनस एम पी सी करके हमें 2 मिल गया के, और के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास इनकम की डेफिनेशन मौजूद है यहाँ पे, हमने जो पहले कैलकुलेशन करते हुए देख ली थी कि चेंज इन इनकम विल बी के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और के जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो सकता है, आप कह सकते हैं कि सर आपका गिवन फार्मूला तो हम मान लेते हैं कि जनाब ये 1 माइनस एम पी सी या 1 ओवर एम पी एस ये हम मान लेते हैं, लेकिन सर ये कुछ थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन तो करें कि जनाब ये फार्मूला आया किस तरह से, ये डिराइव कैसे हुआ, पता तो चले ना कि सर हम चलें आपकी बात मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ी सी चेंज नेशनल इनकम के अंदर ज्यादा बड़ी चेंज लेकर आती है, हमें समझ आती है, ठीक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, समझ आ गई, वेरी गुड। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि जनाब इस बात का कुछ अकल समझ कोई बताइए जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल से, एक मिनट जरा। जी आपको क्वेश्चन होना चाहिए था जी कि ये कैसे इसको डिराइव कैसे किया, तो वो डिराइव करने का तरतीब वही है जो भी हमने डिस्कस की। अब उसको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के नाम से हम पढ़ लेते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, सपोज चेंज इन इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज 150 मिलियन
and our MCC is equal to 0.5. Now we want to find out change in income. That we need to find out. ये वही जो सवाल अभी हमने देखा था. तो हमें ये पता है कि जनाब हमारा MPC क्या होता है. MPC क्या होता है? MPC is equal to change in consumption over change in income. SID है. और अगर हम इसको यूं कह दें कि चेंज इन कंजम्पशन विल बी एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम. कोई गलत बात होगी? एमपीसी हमें पता है ये रेशो एमपीसी होती है. कंजम्पशन और इनकम की एक रिलेशनशिप जो है वो हमारा MPC का रिलेशनशिप बनता है. तो चेंज इन कंजम्पशन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो MPC इनटू चेंज इन इनकम कर दें तो यू विल एबल टू फाइंड आउट द चेंज इन कंजम्पशन. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब भी होगी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन सम कंजम्पशन. वो कंजम्पशन का बायस बनेगी और कंजम्पशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है एमपीसी इंटू चेंज इन इनकम कर दें तो हमारी कंजम्पशन आ जाएगी. हम टोटल चेंज इन इनकम ढूंढना चाह रहे हैं. पहले क्या आई थी, पहले किसी ने हमें नेशनल इनकम के अंदर 150 मिलियन रुपीस दिए थे, ये तो हमारे पास नेशनल इनकम में आने चाहिए थे. फिर वो शख्स जिस शख्स के पास वो नेशनल इनकम गई, उस नेशनल इनकम को कंज्यूम किया. वो नेशनल इनकम की कंजम्पशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बायस बनी. नेशनल इनकम में कंजम्पशन कितनी हुई? चेंज इन इनकम इनटू एमपीसी. तो मिस्टर ए के पास ये थी, जब मिस्टर बी के पास आए तो मिस्टर बी के पास टोटल उन्होंने कंजम्पशन नहीं की, 150 इनटू 0.5. इतनी कंजम्पशन की. ऐसे ही है ना, चेंज इन कंजम्पशन कितनी है? एमपीसी इनटू नेशनल इनकम, चेंज इन इनकम कितनी हुई थी? 150. तो बी के पास जब आई तो उसने पूरी कंज्यूम नहीं की, 150 इनटू 0.5 उसने कंजम्पशन की. ऐसा ही है, कोई मुश्किल तो नहीं यहां तक. फिर एक शख्स की कंजम्पशन दूसरे शख्स की इनकम बनती है. अब सी की वो इनकम बनी और सी ने फिर आगे कंज्यूम किया. बी की कंजम्पशन सी की इनकम बनी, इनकम बन गई ना, 150 इंटू 0.5 इसका मतलब है सी की इनकम बनी थी. सी की कितनी इनकम बनी थी? 150 इंटू 0.5. और सी ने फिर कंजम्पशन की. कंजम्पशन कितनी की? चेंज इन इनकम इंटू एमपीसी. जितनी उसकी इनकम थी उसको एमपीसी से 150 इंटू 0.5 तो इसकी इनकम बनी थी और एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दिया मजीद. तो इस दफा उन्होंने इतनी कंजम्पशन की. फिर सी से आगे डी तक बात चली गई. किसी की कंजम्पशन दूसरे शख्स की इनकम बन गई. तो डी के पास कितनी इनकम आई? 150 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये उन्होंने सी से इनकम ली थी. ये जो इनकम आ रही है ये इसकी कंजम्पशन थी, ये इसकी इनकम बन गई. और इसकी कंजम्पशन ढूंढने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 0.5, एमपीसी से मल्टीप्लाई बाय कर दें. मुश्किल तो नहीं है, परेशानी तो नहीं हो रही? अली इलीशा हमदान निमरा सदक. अली कभी कभार आते हैं लेकिन खामोशी के साथ आते हैं और खामोशी से चले जाते हैं. तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि किसी शख्स की इनकम कंजम्पशन दूसरे शख्स की इनकम बनती है और फिर उसकी कंजम्पशन ढूंढने के लिए क्या करें? एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये चेंज इन कंजम्पशन विल बी एमपीसी इनटू चेंज इन इनकम.
अगेन इसी तरीके के साथ चलता जाएगा, प्लस 150 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये तो चेंज इन इनकम थी, कहां से आई है? ये पिछले शख्स की जो कंजम्पशन थी ये अगले शख्स की इनकम बन गई। अब अगले शख्स की कंजम्पशन कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय एमपीसी कर दें, एन एडिशनल 0.5 विल बी गिवन। क्लियर है जी? यहां तक कोई रोला तो नहीं। और हम ये कह सकते हैं वी कैन एक्सटेंड इट टू 150 इंटू एन स्पाइन 0.5। ऊपर वाले को अगर हम इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिख दें कोई मुश्किल तो नहीं होगी। अगर मैं इसी इक्वेशन को जो चेंज इन इनकम की है 150 150.5 0.5 square 0.5 cube 0.5 4 times 0.5 n time लिख दूं, कोई मुश्किल तो नहीं होगी आपको इसमें समझने में? पावर 1 पावर 2 पावर 3 एंड पावर n, n तक उसकी पावर हमने चला ली। एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई, ज्योमेट्रिक इक्वेशन आ गई, जिसके अंदर हम वी कैन ड्रा सम कंक्लूजन्स, देन हम उससे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वर्किंग कर सकते हैं। ये इक्वेशन आई किस तरह से, इसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक शख्स की इनकम दूसरे शख्स की कंजम्पशन, और फिर उसकी कंजम्पशन ढूंढने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय एमपीसी, वो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ज्योमेट्री में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं मजीद, इस इक्वेशन को अगर आसान करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम 150 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 150 तमाम के अंदर मौजूद है, तमाम जो हमारी फिगर्स हैं उसके अंदर 150 मौजूद है, तो हम 150 इसके अंदर से कॉमन ले सकते हैं। तो 150 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, 150 कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस 0.5 रह जाएगा, प्लस 0.5 स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 0.5 क्यूब रह जाएगा, एंड सो फोर्थ टिल प्लस 0.5 एंड टाइम रह जाएगा। इस पे भी किसी को इतराज तो नहीं? किसी को इतराज नहीं? वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छे लोग। फिर अगर हमने ये इक्वेशन जब हमारे पास मौजूद हो, ये सीक्वेंस जब हमारे पास मौजूद हो जिसमें इनिशियल कैपिटल के साथ आपको मार्कअप की वैल्यू मिल रही हो, मार्कअप इनिशियल कैपिटल में ऐड कर दें, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मौजूद है हमारे पास, उसकी उसका तरीका वारदात मौजूद है। वो क्या है, 150 इंटू ए ओवर 1 माइनस आर। अब ए क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल
जो हमारे पास दिस ए इज वन, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो मार्कअप या इंटरेस्ट बनता जा रहा है 0.5 प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 क्यूब, वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जा रहा है। उस इस सारे सीक्वेंस को अगर हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के जरिए से हल करना हो तो हमें कहते हैं 1/(1-r) इज द फार्मूला दैट यू कैन यूज। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जनाब 150 इंटू 1/(1-0.5) आर क्या था, जो मल्टीप्लीकेशन ये आर जो इंटरेस्ट रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर 1/(1-1.5) और अगर इसी को हम कहें कि ये जनाब 150 क्या था, दैट वाज इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम, एंड 1/(1-0.5) क्या था, एमपीसी, और ये भी हमारा के टाइम्स आई। दिस इक्वेशन वाज द इक्वेशन ऑफ द के, हमने डिराइव किया के को हमने कैसे इस फॉर्मूले तक लेकर आए थे। व्हाई वी हैव सेड के इज 1/(1-MPC) हमने इस वजह से कहा था क्योंकि उसके पीछे लॉजिकल हमारी एक्सप्लेनेशन ये थी कि एक शख्स की इनकम दूसरे शख्स का की कंजम्पशन बनेगा, और कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन ढूंढने के लिए आप एमपीसी वाले जो फार्मूला है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसको आपने एक्सपेंड किया और उसको ड्रा किया, तो देन वी हैव रीच ऑन द सेम कंक्लूजन दैट चेंज इन इनकम इज के टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट इज के, के इज 1/(1-MPC) K is 1/(1-MPC) कोई आप इसके अंदर मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है यार, बहुत ही अच्छे बच्चे आप होगा माशाल्लाह। अच्छा जी, मल्टीप्लायर की तरफ आ जाते हैं। ये हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, केन्स भाई ने कहा कि मल्टीप्लायर मॉडल इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेट डिप्रेशन, जब डिप्रेशन हुआ तो उसमें केन्स का व्यू हमें पता है, वो कहता है जी कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो डिमांड के बढ़ाने से प्राइस के ऊपर प्रेशर नहीं आता, तो ग्रेट डिप्रेशन जी, ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ 1930 के अंदर, 1930 में हमारे क्योंकि जंगे अजीम अव्वल ख़त्म हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया। डिप्रेशन का मतलब क्या था कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज रुक गई, आपकी जो प्राइसेस थी वो डाउन की तरफ चली गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी, काम नहीं हो रहा था, इकोनॉमी स्लो हो गई। जब इकोनॉमी स्लो हुई तो उन्होंने कहा कि ये करते हैं कि हम अपनी लेवल को बढ़ाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से, एग्रीगेट डिमांड क्या था, कंजम्पशन, कंजम्पशन को बढ़ाया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाई, सारा कुछ किया, लेकिन उससे नेशनल इनकम के अंदर इजाफा नहीं हो रहा था। वो नेशनल इनकम के अंदर इजाफा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो बढ़ नहीं रही थी। उसके लिए केन्स साहब ने कहा कि जनाब आपको अगर काम करना है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा कि आपको अपने नेशनल इनकम की बजाय इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लायर मॉडल की बातें देखनी पड़ेंगी। मल्टीप्लायर मॉडल का इम्पैक्ट उन्होंने दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, सिर्फ आप कंजम्पशन की कोशिश ना करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं।
इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपके पास ये चेंज द नंबर बाय विच ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू रिजल्ट इन द चेंज इन टोटल आउटपुट. ये वही एग्जांपल है कि एक शख्स की इनकम थी 1000 रुपया, तो 1000 रुपये 750 क्योंकि उसकी एमपीसी थी, फिर 562 और फिर ये इस तरह से एमपीसी 3/4 एमपीसी थी और एमपीसी के मुताबिक चलता गया, तो 1-3/4 उसी तरीके के साथ वही कैलकुलेशन दे रहा है. 1-MPC इज दी के. अब यहाँ पे भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई कि आपकी नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट वाज हियर, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वाज हियर, नाउ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज कितनी हुई है 1000 से, और नेशनल इनकम के अंदर इजाफा कितना हुआ है. अब नेशनल इनकम में इजाफा कहाँ से हम दिखा रहे हैं, सेविंग लाइन. हमने ये बात कही थी कि आइडियल सिचुएशन में आपकी जो विड्रॉल्स हैं वो इंजेक्शंस के बराबर होनी चाहिए. ये बात कही थी हमने इक्वेशन के लिए. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का आपस में रिलेशनशिप है. जब आपकी सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व के बराबर होगी उसको हम इक्विलिब्रियम समझते हैं. ऐसा ही है ना, कि जो आपकी सेविंग थी उस सेविंग्स को आपने इन्वेस्ट कर दिया, वापस ले आए, तो दैट इज उससे कोई ना विड्रॉल से फर्क आ रहा है ना इंजेक्शन से, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई. तो वो कह रहे हैं कि आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ी सी फर्क आया, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ 1000 मिलियन का फर्क आया या 1000 रुपये का फर्क आया, लेकिन आपकी GNP जो आपकी है उसमें 4000 का फर्क आ गया. क्यों आया ये फर्क 4000 का? मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से. जी, लेट्स कंक्लूड हेयर फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.